जगह पे राम जी सीता माँ कहाँ है? एडम प्रेसिडेंट सेड अबाउट नारी शक्ति, दो हिस्टोरिक ऑकेशंस के बाद क्या है हम लोग का मैडम प्रेसिडेंट, एक है न्यू पार्लियामेंट और एक राम मंदिर। अनफॉर्चुनेटली दोनों में उनको इनवाइट नहीं किया था। ये है नारी शक्ति। प्रेसिडेंट ने जो भी बोल रहे थे, माय गवर्नमेंट ये किया वो किया, उसमें जितना ताली बज रहे थे उसमें उनका बात कम सुनाई दिया, अच्छी बात है। लेकिन प्रेसिडेंट का एड्रेस सिलेबस में थे और जो ताली बजा रहे थे ताली बजाना भी सिलेबस में थे। फ्रीडम फाइटर ये याद तो ज़रूर रखेंगे, इसके साथ ये भी याद रखेंगे ये एक सरकार आए हैं जो सिर्फ कोई एक फैमिली को अटैक करने के लिए हर स्पीच में बात करते, पुराने प्राइम मिनिस्टर को अटैक करते हर स्पीच में वही बोलते, सिर्फ यही बोलना चाहते हैं जो पहला जो सरकार थे सब गलत है, सब गलत है, सब गलत है। यह इसको मिटाने के लिए आप लोग नाम बदल रहे, स्टेडियम बदल रहे, पार्लियामेंट बदल रहे, लेकिन ये याद तो रखेंगे दुनिया। लेकिन इसके साथ आप भी याद रखें, ऐसा कोई आएगा जो आपको भी मिटा देंगे। आप लोग बोल रहे थे गैस चूल्हा से गैस में लेके आया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जानना है कितने लोग रिफिल किया है वो बात चाहिए, क्योंकि जितने आप लेके आए थे उतना ही वापस भेज दिया चूल्हे में। क्या वो बोल रहे हो जहाँ पे राम मंदिर है वहाँ पे राम जी का राम जी करे, वो तो बहुत अच्छी बात है, हर जगह पे राम जी, ये भी अलग बात है राम जी का ज़्यादा फोटो है कि मोदी जी का ज़्यादा फोटो है, लेकिन फिर भी हर जगह पे राम जी, सीता माँ कहाँ है? ये है नारी शक्ति। आप कुछ पुरुष शक्ति का बात करें, जैसे बिल्किस बानो केस से जो लोग रेपिस्ट जो थे वो बाहर आए, उनको दो बार ऑनर दिया है, कहाँ का एक जेल से बाहर निकालने का था, माला दिया, ये किया, फिर गांव में जाने का टाइम। तो मतलब रेपिस्ट को आप रेस्पेक्ट दे रहे हो, ये है पुरुष शक्ति। और ये है शताब्दी रॉय जो कि फिल्म अभिनेत्री, डायरेक्टर और राजनेता के तौर पर जानी जाती हैं। उन्होंने बंगाली सिनेमा खूब सारा काम किया है। वो तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर साल 2009 से लगातार सांसद चुने जा रहे हैं। वो आगरा पास संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी करती हैं। यहाँ पर उन्होंने अपने इस भाषण में पीएम मोदी को राम आएंगे, राम को लेकर आए पीएम मोदी, इस बयान पर जबरदस्त उन्होंने सरकार को घेरा। मोदी को घेरते हुए कहा कि मोदी जी इतने महान हैं कि वो श्री राम को लेकर आ गए हैं, श्री राम को लाएंगे, अगर वो श्री राम को ला सकते हैं तो सीता मैया कहाँ है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर पावरफुल आदमी है मोदी इतना कि वो श्री राम को धरती पर लेकर आ सकता है, तो उनकी पावर का यूज करके वह कुछ मामूली इंसान नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी को भी ला सकता है। इतने पावरफुल है मोदी जी तो वो 15-15 लाख रुपए खाते में डाल सकते हैं, इतने पावरफुल है मोदी जी तो वो महंगाई पर भी रोक लगा सकते हैं, काला धन भी वापिस ला सकते हैं। तो अपने इस भाषण में एक व्यंग्य के तौर पर पीएम मोदी को जमकर घेरा शताब्दी रॉय ने। उन्होंने एक तलख लहजे में कहा कि ये लोग बोल रहे हैं कि हम राम को घर दे रहे हैं। ये सुनकर मैं हैरान हो गई हूँ कि तुम इतने बड़े हो गए हो कि तुम राम को घर दे रहे हो। राम जी जो हमारे भगवान है, क्या वो तुम्हारे सामने इतने छोटे है कि तुम उनको घर दोगे? शताब्दी रॉय ने यहाँ पर सोशल मीडिया में एक मीम देखा जिसमें उन्होंने कहा कि राम अपना हाथ छुड़ा रहे हैं और मोदी उनको अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं चुनाव जीतने के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, आपने भगवान राम का सहारा लिया, आपने अयोध्या मंदिर का सहारा लिया, और क्या क्या करोगे आप चुनाव जीतने के लिए? क्या अपने दम पर आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं? 15-15 लाख खाते में आने की बात हो, महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, हर मुद्दे पर शताब्दी रॉय ने संसद में पीएम मोदी और तमाम भाजपाइयों को जमकर घेरा। एक दबंग नेता के तौर पर, एक दबंग विपक्ष के तौर पर उन्होंने सरकार के सामने देश की जनता की आवाज को पुरजोर तरीके से उठाया है। हम यही आशा करते हैं कि हमारे जो माननीय सांसद हैं, जो जनप्रतिनिधि जिनको हम बोलते हैं, जो हमारे द्वारा यानी कि हम जनता उनको चुनती है, वो हमारा प्रतिनिधित्व करे, हमारे मुद्दों को उठाए, उनको उजागर करे और
सॉल्यूशन दे। ऐसे ही सांसदों की हमें आज जरूरत है, जो निर्भीक होकर, निडर होकर हमारे मुद्दे को सरकार के सामने रखेंगे, उनको मनवाएंगे, सरकार को मजबूर करेंगे कि हम हमारे जो समस्याएं हैं उनकी तरफ सरकार ध्यान दे, उनको सॉर्ट आउट करें। आपका इनके बारे में क्या कहना है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हम ऐसे ही दबंग भाषण और जनता की जो समस्याएं हैं, माननीय सांसद जो हमारे इन समस्याओं को उजागर करते हैं, वो आपके सामने लेकर आते रहते हैं। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर ले, और नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आपसे छूटे ना। फिर हाजिर होंगे आपके सामने ऐसे ही लेटेस्ट दमदार भाषण के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।